गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो कर दो। और अब हमारे साथ जा रहा है मार्केट। मार्केट में लेने जा रहे हैं हम कुछ दवाइयाँ, और पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हम ठीक ठाक पहुँच गए हैं। तो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। हेलो अगेन, हम आ गए हैं मार्केट से सामान लेकर। दवाइयाँ वगैरह लेने गई थी मैंने वहां से शिमला से दवाइयाँ वगैरह नहीं ली थी, तो मैंने सोचा यहीं से ले लूं क्योंकि टाइम नहीं लगा मुझे। हम दवाइयाँ ली मैंने, और उसके बाद मैंने जो इनके कपड़े थे वो शॉप पे छोड़ दिए, क्योंकि जो ओनर है शॉप के, जिनसे हम डील करते हैं कपड़ों को लेकर, वो मुझे नहीं मिले शॉप पर, तो मैंने वहीं पर छोड़ दिए। मैंने सोचा सुबह जाएंगे, और सुबह चेरी यहाँ पर है। ये चेरी मुझे ना टिकने नहीं देगी। चला, ये देखो, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई है। इसको मैं अंदर आ जा, बैठ जा सीट पे। ठीक है, इधर में देखो मेरे वाले। हाँ देखो, चेरी का दिल मेरे बगैर लगता नहीं है जब मैं आ जाती हूँ। चेरी हेलो कर दो सबको। हेलो। ये देखो चेरी, हमारा क्यूट बच्चा है ना। अब उसके बाद मैंने अपने दो कपड़े ऑर्डर करने के लिए दिए। मेरा ट्रैक सूट का जो लोअर है वो दिया ऑर्डर करने के लिए, और साथ में मेरा जंप सूट था। वो घर में मशीन ठीक तो मैंने करवाई थी, लेकिन हुई नहीं है प्रॉपर ठीक, और वो सेट ही नहीं बैठ रही है, उसकी सुई भी बहुत टूट रही है। तो मैंने सोचा कि किसी टेलर से ही करवा लेती हूँ। यहाँ आना था तो मैंने सोचा साथ के साथ ले चलते हैं। वहाँ ऑल्ट्रेशन कोई करता नहीं है, और मेरी मशीन में सिलाई अच्छी बैठ नहीं रही थी, इसलिए मैं ऑल्ट्रेशन के लिए यहीं पर ले आई हूँ, जो कि मैं दे आई हूँ, सुबह ले आऊंगी। चुप रहो, मुझे बात करने दो पहले, बाद में वो करना। अच्छा ठीक है, अभी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, सुबह मिलते हैं। और अच्छे से सोइए खाना खाकर, और अभी डिनर का टाइम हो रहा है, हम भी खाना खा लेते हैं, उसके बाद दवाई खा के मैं सोऊंगी। दवाई किस चीज की खानी? सिर बहुत दर्द है। सिर बहुत दर्द है तो खाना खा के सो जाते हैं, दवाई खा के, उसके बाद आपको सुबह मिलते हैं, और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। आरव की कर रहा है, चेरी जाग रही की सो रही है? सब सो रहे हैं अभी। क्या दिमाग हो तो? नहीं, मैं ब्रश करने लगी पहले। गुड मॉर्निंग गाइज, ये है नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। और यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं, और अभी चेरी उठ गई है, और उठ के मेरे पास आई थी अभी, और आप सबको हेलो बोल के, गुड मॉर्निंग बोल के, वो मशीन की आवाज़ में सुनाई नहीं दिया होगा, गुड मॉर्निंग बोला सबको। और रात वाली वीडियो मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, तो उसको कम्प्लीट भी करना है। आपने देख लिया, सब सो रहे हैं, और मैं यहाँ आपको व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा सा। और मम्मी आ गए हैं, मम्मी लाए हैं थोड़े से कपड़े। कितने कपड़े आए? अच्छा, मम्मी का सूट है, तो मैंने सोचा मैं ब्लैंकेट धो लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को किचन में काफ़ी काम था, क्योंकि टाइम बच जाएगा, क्योंकि एक ही दिन है। चेरी नीचे से आवाज़ें लगा रही है, मिलती हूँ। कपड़े सुनीता भाभी, गुड मॉर्निंग जी। व्यू देख लो, सोन चल रहा तू, सो जा फिर। चलो गुड नाइट। चेरी तो सो गई।
देखो पंजाब आने का फायदा, हाय हाय हाय। अभी मम्मी चाय बना रहे हैं हमारे लिए और नमकीन और मट्ठियाँ, उसके बाद परांठे बनेंगे वाइट बटर के साथ, मज़े आएंगे, मस्त वाला ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निपटाएंगे हमारे काम। जब तक हमारे आलू के पराठे बनेंगे तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, यहाँ बाहर धूप में बैठ के धूप भी सेक लूँगी और थोड़ी एडिटिंग भी कर लेंगे, ठीक है, काफ़ी काम निपट जाएगा हमारा। मिलते हैं ब्रेकफास्ट भी। तो जी ब्रेकफास्ट हम सब ने कर लिया है और मुझे टाइम नहीं लगा, सॉरी कि मैं वीडियो बना पाऊँ, अभी फ़िलहाल मैं चाय पी रही हूँ। रेडी हम हो चुके हैं और अपने काम निपटाने के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम निपटाते हैं और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ओ जेने जो हाथ लग दे ले ओ सरिया ले। मजाक चल रहा है यहाँ पर। अरे किस सारे जने ने लाइन बना के खड़े हो गए, टंगड़ बार आ गए, कच्चा बादाम शुरू हो जाएगा कोई भी आए तो। हस्बैंड कॉमेडी कर रहे हैं, हम एंटरटेन हो रहे हैं इस वक्त बैठे हुए। न्याणे नु है ना इकट्ठे करके, न्याणे नु सारे सामने इकट्ठे ही ला दो ऊपर तक खड़े हो सारे आ गई है ऐसी रे। ओहो कितने जाने पो फड़ लो कहते डंग कड लो। किसी को ना किसी वर्कर को बुलाया, जब भी वो आता है सामने तो बोलते हैं आ गया फड़ लो नहीं फड़ लो तुम लो कितना उठा गंगा तक लो। कब से यही कॉमेडी कर रहे हैं कि जब भी वो आएगा ना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो आ ही नहीं रहा। आधा घंटा तो दसो ने भी कर किया आ गया हसस की पेट दुखने लगी है मेरा। अच्छा ये वेट कर रहे सी हैं, चलो जी फाइनली आ गया। तो मैंने ये सिंपल सूट पहना है, ब्लैक लेगिंग्स और ब्लैक दुपट्टा, ये सूट मैंने खुद सिला था अपने लिए। सिंपलिसिटी विद ब्यूटी। ये भी पता नहीं किसने सिला, कच्चा भी हमारा पता नहीं किसने सिला। मैं वीडियो बना देना सारा। हाँ हंसने से मुझे ना खांसी आ रही है। दिव्यांका बिल्कुल तैयार है मेरा ब्यूटीफुल बच्चा। मुन्यू 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 पति ने बोल रहे थे मैंने अपने कपड़े ही खुद नहीं सिले, पता नहीं किसने सिले हैं। और बोले कच्चा भी किसी और ने सिला। हंस हंस के पागल हो गए, सुबह से कॉमेडी हो रही है। यहाँ पे आके ना वैसे भी रिलैक्स हो जाता है दिमाग ना, तो इसीलिए मजाक सूझता है। और यहाँ पर फेस में इतना ग्लो हो जाता है ना आके एकदम से, वहां पर तो बिल्कुल नहीं दिखता ये ग्लो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको सबके साथ। ये देखो ये कौन है, हेलो कर दो सबको। हेलो कैसे हो? ठीक हूं। देखो चेरू कितना तैयार हुआ है आज हमारे साथ घूमने के लिए, कितना प्यारा लग रहा है। हम दोनों में से सुंदर कौन है? चेरू। हाँ चेरू सुंदर है। तो जी भतीजी की फरमाइश है फोटोज वगैरह खींचनी है, क्लिक करनी है, बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर खींचो मेरी। तो अभी उसकी फोटो शूट करने के बाद मिलती हूँ और एकदम से निकलना है अभी क्योंकि ऑटो वाला आ गया है। तो जी हमारा फोटो शूट हो चुका है, ये इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा और ऑटो वाला आ गया, हम चल रहे हैं अब। चलो आगे सारे चलो।